राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, माता रानी के भक्तों, तो आज है नवमी तिथि, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अष्टमी और सप्तमी को भी किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी करेंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं चौकी विसर्जन की विधि। तो देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने जो कलश है, कलश का नारियल उठाना है, और नारियल उठा के आपको जो उसके ऊपर चावल रखे होते हैं ना, कलश के ऊपर एक ढक्कन लगा के उस पर हम चावल रखते हैं, वो आपको उठाना है। मैंने क्या किया था ना, उठा लिया था, फिर मुझे याद आया चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, तो मैंने दोबारा से इसलिए आपको दिखाने के लिए रखा था। उन चावलों को मैं जो करती हूँ, मैं अपना आपको बताती हूँ, मैं तो घर में जो हमारे यहाँ रसोई में चावल यूज़ होते हैं ना, उसी में मिक्स कर लेते हैं। कहते हैं इससे बहुत अधिक बरकत होती है, अन्न की कभी कमी नहीं रहती है, माँ की कृपा बनी रहती है, माँ अन्नपूर्णा की। और उसके बाद में जो कलश है ना, कलश का जल लेकर कलश को खोल के उसका जल जो होता है अपने ऊपर छिड़क लीजिए। जितने भी घर में लोग हैं सबकी आंखों में लगा दीजिए, सबके ऊपर छिड़क दीजिए और पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। कहते हैं ये बहुत ही औषधीय गुणों वाला अमृत तुल्य हो जाता है ये जल, क्योंकि हम इसको पी नहीं सकते हैं, 9 दिनों का होता है। तो जो अगर बच जाता है तो उसे किसी पौधे में डाल दीजिए या फिर नीम के पेड़ पर चढ़ाना बहुत शुभ होता है अगर आपके आसपास हो। उसके बाद जो भी मतलब देखिए कलश डालिए आपने, अब जो विग्रह हैं, तस्वीरें हैं भगवान की, वो उठाकर अपने यथास्थान स्थापित कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने बड़ी चौकी पे छोटी चौकी रखी है, इस पे माता स्थापित की थी, तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी माता की तस्वीरें हैं, उठा उठा के हम मंदिर में रख देंगे। फूलों की ये जो मालाएं हैं ये सारी विसर्जित कर देते हैं या फिर किसी गड्ढे में खोद के उसमें दबा दीजिए, नहीं तो गमले में दबा दीजिए। और इनको सुखाकर बहुत सारे लोग इससे धूप वगैरह भी बना लेते हैं, धूप जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और पीछे से ना आवाज़ें आ रही, क्योंकि हवा चल रही है, बहुत भयानक आवाज़ आ रही है, पूरा घर बंद है उसके बावजूद भी ऐसी हवाएं आ रही हैं, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये मंदिर है हमारा, मंदिर में रखते जा रहे हैं सारा सामान उठा उठा के। और यहाँ पे देखिए इसके बाद में ये जो तस्वीर है ये भी उठा के हम मंदिर में रख देंगे। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी भगवान हैं आपके, अगर आप मंदिर में रखते हैं तो मंदिर में रख लीजिए, और नहीं तो आप जो भी आपके पास अलमीरा वगैरह हो, कहीं आप अंदर रखते हो, सिर्फ नवरात्र में निकालते हो बड़ी पूजा में, तो आप वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद जो चुन्नी वगैरह आपने भगवान को उढ़ाई हुई है तो हमारे मंदिर में ही काम आ जाती हैं, अच्छा रहता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो जौ है हमारे, ज्वारे जो खेचरी होती है, मैया पर तो चढ़ा दी होगी ना, जो चढ़ाई हुई होती है ना उसको आप अपनी तिजोरी में, अपने गले में रख लीजिए, हस्बैंड के पर्स में, अपने पर्स में, बच्चों की किताबों में रख लीजिए माता का नाम लेकर, तो बहुत शुभ रहता है, अच्छा रहता है। बाकी जो जौ बचते हैं वो गाय माता को खिला दीजिए, नहीं तो आप उनको प्रवाहित कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो दक्षिणा होती है ना, ये चाहे तो ब्राह्मण को दान दे दीजिए, चाहे कन्या को दे दीजिए। इस तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें हम हटाते जाएंगे, इस तरह से चौकी विसर्जन किया जाता है। और ये जो ज्वारे हैं देखिए, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको इनका क्या करना है। इसके बाद में इस पर जो ये अक्षत वगैरह हैं, जो चावल जो इस पे बचे हुए हैं, जो अखंड ज्योत के नीचे थे, जो भगवान जी के नीचे थे, जो कलश के नीचे थे, तो कलश के नीचे वाले चावल थोड़े से ख़राब से भी हो जाते हैं, तो ये सारे अक्षत चावल आपको इकट्ठे करना है, फूल इकट्ठे करना है, तो कहीं पक्षी वगैरह हो आप उनको डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इनको भी प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी गमले में डाल दीजिए। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको गमले वगैरह में यदि डालते हैं तो सड़न पैदा हो जाती है, तो वो ठीक नहीं रहेगा, पक्षियों को डाल दीजिए। इसके बाद देखिए स्वाग सामग्री जो होती है, तो आपके घर में जितने लोग हों आप उनको बांट सकते हैं, स्वयं भी रख लीजिए, सिंदूर वगैरह कुछ अपने लिए रख लीजिए इस तरीके से। और नहीं तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, अपनी सास ननद को कर दीजिए, हम तो स्वयं ही इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बच्चों को देना होता है उनको दे देते हैं। अब बारी आती है अखंड ज्योत की, तो अखंड ज्योत में जितना भी घी है, ये जो घी है इसमें आपको और घी नहीं बढ़ाना है,
लेकिन हाँ आपको एक काम और भी करना है कि आपको शांत नहीं करना है अखंड ज्योत को, मतलब बंद नहीं करना है। अखंड ज्योत स्वयं बंद हो जाएंगी और जब तक इनमें घी है इनकी बाती को आप ठीक करते रहिए, इनकी बाती की जैसे केयर की आपने इतने दिनों से, तब तक इनकी केयर कर लीजिए जब तक कि पूरा घी समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी आपने जितनी भी डेकोरेटिव आइटम रखे हों, जैसे मैंने यहाँ पे सजाया हुआ था, वो सब उठा उठा के अपना जहाँ भी आपको रखना हो रख लीजिए, और चौकी का कपड़ा आपका अपना पूजा में काम दोबारा से फिर से आ ही जाएगा, तो इसको भी आप साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, धो लेंगे फिर साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा गंदा तो वैसे भी नहीं होता है। तो ये सारे सामान मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे ना एक कई चौकी, तीन चौकी लगा रखी थी, तब जाके यहाँ पर हमने अपने मैया का वो सजाया था, और हो तो और सजा लें ना। अब हम देख रहे हैं ये जो चौक हमने बनाया था, क्योंकि चौक के ऊपर ही हम चौकी लगाते हैं ना, तो ये जो सारा सामान है चौक पे अनाज डालते हैं, चावल या फिर गेहूँ डालते हैं, तो इसका हमें क्या करना है, इसको हमें एक कपड़े से सारा सामान एकत्रित कर लेना है। सारा सामान हम इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पर झाड़ू नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सामान को आप कपड़े से हाथ से ऐसे ही उठा लीजिए। तो मुझे यहाँ पर एक पॉलीथीन मिल गई थी, तो मैंने पॉलीथीन से, क्योंकि कहीं कहीं घी वगैरह गिर जाता है तो गीला गीला सा हो रहा था, तो मैंने हाथ में पॉलीथीन ले ली थी और उसकी सहायता से इस सब सामान को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इस सामान को भी इकट्ठा करके हमें चिड़िया वगैरह को डाल देना चाहिए और वो अच्छा रहता है, या फिर प्रवाहित कर देना चाहिए जल में, नहीं तो हम गाय माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद में ये सब हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पोछा लगा लेंगे गीले कपड़े से। उसके बाद में यहाँ हम थोड़े से अक्षत ले लेंगे, माता के नाम से अक्षत छिड़क देंगे कि माँ हमारे घर में अन्न धन दूध पूत की कभी कोई कमी ना रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना, क्योंकि ये स्थान अब दिव्य हो गया, यहाँ माता की चौकी लगी हुई थी। इसके बाद में तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से सफाई पूरे में कर लेंगे, सारा सामान ये इस तरीके से सारा साफ़ कर लेंगे, पोछा लगा लेंगे। और आज रामनवमी है, अगर आप रामनवमी की पूजा करते हो तो यहाँ पर आप रामनवमी की चौकी लगा सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पर सफाई करके अक्षत डाल दीजिए थोड़े से छिड़क के। और जो मैंने तो क्या किया है, मैंने वहीं पर रामनवमी वाली चौकी लगा ली है, और आप एक दिया जलाकर यहाँ पर रख दीजिए। नहीं तो हम ऐसा भी कर लेते हैं हम तो, कि आज हमारी अखंड ज्योत में घी वगैरह बचा होता है ना, तो हम अखंड ज्योत को ही वहीं पर रख देते हैं। तो इस तरीके से चौकी विसर्जन करना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ जैसे आप इस बार खुशी खुशी खुशहाली लेकर हमारे घर में आई, समृद्धि लेकर, वैसे ही फिर से आना माँ, कुंवार के नवरात्र जब आएंगे आश्विन मास के, फिर से आना माँ शारदीय नवरात्र में, और अपनी कृपा बनाना, और गणेश जी, लक्ष्मी जी, नारायण और लक्ष्मी नारायण, शिव गौरी, हनुमान जी, ये जो देवता होते हैं इनकी प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, तो इनसे कहना चाहिए कि आप सभी देवी देवता हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजें, और बाकी के जो आवाहित देवी देवता हैं वो अपने धाम को पधारें, इस तरीके से विनती करते हैं। थोड़ा सा आज मन भी भारी होता है, क्योंकि माँ की एक तरीके से कहा जाता है विदाई, देखिए हमने ऐसे अखंड ज्योत रख दी है, उन्हीं अक्षत में अभी तो फिलहाल रख दिया, जब ये घी समाप्त हो जाएगा तो ये अक्षत हम अपने रसोई घर में रख लेंगे। तो हम तो इस तरीके से करते हैं चौकी विसर्जन, और वो आपको देखना है कि आप नौमी को करते हो या दशमी को करते हो, तो नौमी को भी कर सकते हो, दसवीं को भी कर सकते हो, हम तो नौमी को ही करते हैं, जैसे आपकी परंपरा हो आप उसके अनुसार करें। वैसे भी आज 3 बजे के बाद से दसवीं तिथि लग जाएगी, तो अगर आप इस तरह से मना, लेकिन मान्य कल ही होगी, आज मान्य तो नौमी तिथि है। अब बताते हैं कि जो कलश पे नारियल रखते हैं उसका क्या करना है। तो अगर आपने पानी वाला नारियल रखा है तो आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको तोड़ के खा लेते हैं, तो जो नारियल हम तोड़ के खाते हैं वो माँ को हम समर्पित करते हैं, वो खाते हैं, लेकिन कलश का नारियल खाया नहीं जाता है। और अगर आपने श्रीफल रखा है, जैसे जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने बताया भी है, तो अगर आपने श्रीफल रखा है तो उसको आप चुन्नी में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप दुर्गा स्थापना करेंगे, कलश स्थापना, तो आप फिर से उसी नारियल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप, और नारियल जो है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो
तो इसलिए आप अगर तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर आपने पानी वाला रखा है तो उसे प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। जानकारी थोड़ी भी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे।